दिख रहा था उस उसका ऊपर मीटर था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। है गाइस, हम लोग आ चुके हैं न्यू लोकेशन पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं एक न्यू जगह जो चाईबासा के आसपास ही पड़ता है। तो एक झील है, तो जाएंगे वहीं पर घूमने के लिए हम लोग और देखेंगे वहाँ का क्या क्या सीन सब है। मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं ब्लॉग के अंदर में। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज का मौसम कितना सुहाना नज़र आ रहा है। अब बहुत दिन के बाद ऐसा ब्लू ब्लू आसमान दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपना लोकेशन की ओर। पहुंच चुके अपना लोकेशन पे जहाँ हम लोग घूमने का डिसाइड किए थे। देख सकते हैं आसपास का नज़ारा, चारों पहाड़ी पहाड़ है और बीच में एक बड़ा सा झील। तो वहीं अब जाते हैं झील के तरफ। काफ़ी शानदार नज़ारा आसपास का, कितना मस्त। आज का धूप भी हल्का ही है और जो बादल का रंग देख सकते हैं आप लोग ब्लू ब्लू। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ आसपास का नज़ारा कितना मस्त दिख रहा है, जगह कितना शानदार है। और यहाँ तो घास के बीचे बीच क्या ये सब है, ये जो सब जो ऊपर पर में लग गया है, अब उसको एक कर निकालना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है। मैदान वाला इलाका ऐसे ही होता है, तो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे निकालने का। एक यहाँ पर फ्लोटिंग वाला नाव है शायद, देखिए दिख रहा है आप लोग को, पता नहीं जगह जाने का कैसे होगा क्योंकि पूरा कीचड़ कीचड़ ही है इस साइड, तो जाने की जगह नहीं पलटते है। मछली पकड़ने के लिए जार, किस्मत ख़राब लगता है, जाने की जगह ही नहीं दिख रहा है शायद, क्योंकि हर तरफ तो पानी भरा हुआ है। ओवर हीट आया तो फिर उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। है गाइस, हम लोग आ चुके हैं न्यू लोकेशन पे वीडियो शूट के लिए। और ये हमारा लोकेशन है जयपुर गांव का, झारखंड से। और ये पीछे हो रही है वीडियो शूटिंग, लड़की अच्छी कर रही है। जस्ट ये तीसरा टेक है, प्रैक्टिस किया जा रहा है क्योंकि बार बार गलतियां हो रही है, गलतियां इंसान से ही होती है, क्या कीजिएगा। वाह, क्या नज़ारा है। चलिए इनको छोड़ते हैं, हम चलते हैं, थोड़ा आपको लोकेशन दिखाते हैं, कैसा व्यू है यहाँ का, कैसा झील है, हम कहाँ आए हैं, थोड़ा आपको नदियाँ मतलब झील ठीक से दिखाते हैं आगे जा कर के। और ये झील है, इस तरफ पहाड़े हैं, ऊपर बादल है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है आज का, आज मौसम बड़ा ही अच्छा है। आप नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो ये है मेन लोकेशन का नज़ारा, इस तरफ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मछली पालन के लिए ड्रम्स लगाई गई हैं। और यहाँ पानी के बीच में एक घर बना हुआ है जो फ्लोटिंग करता हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, बट पानी थोड़ा ज़्यादा है गाइस, तो हम जा नहीं सकते वहाँ पे।
जगह तो नहीं मिला, पर खेत के बीचों बीच जाना पड़ रहा है। यह थोड़ा पानी भरा हुआ इस साइड में देख सकते हैं, और बाप का थोड़ा गहराई भी है, पता नहीं कितना गहरा होगा। इस साइड से जगह नहीं मिलता है, उस पर से घूम के जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही पानी है, गर्मी तो गर्मी है। ऊपर से दो दिन पहले यहाँ पर बारिश हुआ था, जिस कारण से पानी थोड़ा भर गया यहाँ झील पर, और उस कारण से यहाँ खेत का भी पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और जगह जाने का था वो जगह भी भर चुका है, जिस कारण से हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो दोस्तों, जिस झील में घूमने आए थे वो झील तो पूरा पानी से भरा हुआ है, और वहाँ जाने का तो कोई जगह ही नहीं बचा है। तो हम जा रहे हैं दूसरा लोकेशन में, गर्मी के कारण तो पूरा हालत ख़राब हो गया है, देख सकते हैं। साफ होने के साथ साथ धूप भी इतना दे रहा है कि पसीना से बोल के हाल हो गया। फिर से मौसम बना रहा है, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। देख सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है, यही जगह मैंने शूटिंग करी है अभी। सब लोग देखो। तो दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो शूटिंग पूरा कर लिए हैं, और घूमने का सोचा घूम भी लिए, तो अभी हम लोग अपना निकल रहे हैं अपने घर की ओर। चलिए चलते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि बहुत तेज़ी यहाँ बारिश होने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग से 100 मीटर आगे में कितना तेज़ बारिश हो रहा है, लेकिन हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक भी बारिश नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, चलो आगे चलो, थोड़ा देखते हैं छोड़िए कहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पानी गिर रहा है, पानी का मजा लेते हुए यहाँ रील्स बन रहा है। वाला गया, फिर से दोबारा टेक लो, दोबारा दिख तो रहा है अच्छा से। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि बारिश के साथ साथ यहाँ पर रेनबो निकला हुआ है, कितना खूबसूरत नज़ारा देखिए। 7 कलर का मिक्सचर कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक बहुत दिन के बाद ये रेनबो देखने को मिल रहा है। 2 निकला था, उसका ऊपर में मीटर था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। चलो किधर से जाना, वो रहा रेनबो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट लोकेशन पे।